पुलिस महकमा को एक रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर चला रहा है। पुलिस विभाग पर पुलिस मुख्यालय की नहीं चलती, एक भी हेडक्वार्टर के डीजी रैंक के अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी की अनुशंसा को नहीं माना जाता। अब बोली लगाओगे तो जो जाएंगे पदस्थापित होंगे वो संग्रही भूमिका में रहेंगे, और जो अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, अपराध की आग की लपटें गांव शहर हर जगह व्याप्त हो गया है, उसमें घी का काम कर रहा है आपका मरता हुआ शराबबंदी कानून, जो आग में घी का काम कर रहा है, और कहते कानून का राज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में, मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राजद ने मुंह खोला है। जी हां, राजद के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि बिहार अब अपराधियों के जकड़ में आ गया है। अब अपराधी बिहार में अपराध करते हैं और बच जाते हैं। जो लोग कहते थे कि राजद के समय में जंगल राज होता था, तो अभी क्या मंगल राज है? जंगल राज नहीं, अब तो महाजंगल राज हो गया है। कोई सुरक्षित नहीं है, पुलिस कर्मी भी किसी की नहीं सुनते, ना उनकी कोई सुनता है। जो एडीजी रैंक के हैं वो नेता की नहीं सुनते हैं, और जो छोटे रैंक के ऑफिसर हैं वो एडीजी की नहीं सुनते हैं। कोई किसी का यहाँ सुन नहीं रहा है, कोई सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अपराधी बढ़ते जा रहे हैं और इस पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहते नजर आए शक्ति यादव, पहले आप वो सुने। बिहार को पूरी तरह से अपराधियों ने जकड़ लिया है, अपराध सर चढ़ करके बोल रहा है, कोई कहीं सुरक्षित नहीं दिख रहा है। अब भाजपा के सांसद और विधायक भी कबूलते हैं कि यहां के पुलिस पर भरोसा नहीं, कहीं कुछ हो सकता है, जान को खतरा ही बताते हैं। इसका मुख्य कारण पुलिस महकमा को एक रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर चला रहा है। पुलिस विभाग पर पुलिस मुख्यालय की नहीं चलती, एक भी हेडक्वार्टर के डीजी रैंक के अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी अनुशंसा को नहीं माना जाता। अब बोली लगाओगे तो जो जाएंगे पदस्थापित होंगे वो संग्रही भूमिका में रहेंगे, और जो अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, अपराध की आग की लपटें गांव शहर हर जगह व्याप्त हो गया है, उसमें घी का काम कर रहा है आपका मरता हुआ शराबबंदी कानून, जो आग में घी का काम कर रहा है, और कहते हैं कानून का राज। बिहार का अगर शासक अचेत और थके हुए मुद्रा में हो, वहां कानून की राज की बात करेंगे? और विपक्ष जब आवाज उठाता है, आईना दिखाता है, तो मानो अदावत मोल ले लिया। विपक्ष का काम है सत्ता प्रतिष्ठानों की गलतियों को दिखाना, बताना कि ताकि आप सुधारो, लेकिन आप तो सुधार नहीं सकते। आप तो पूरी तरह से बिहार को अपराध में ढकेल दिया है। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए शक्ति यादव। उनका कहना है कि जो ये अपराध इतना बढ़ रहा है उसका मेन कारण कुछ और नहीं, शराब है। जी हाँ, जो शराब कानून, जो नीतीश कुमार का जो शराब कानून बिहार में लागू है, वो कहीं ना कहीं फेल है, जिसके वजह से लोग अब नशा भी कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे नशा कर रहे हैं जिसका नाम भी लेने से लोग डरते हैं, और अब किसी को भी कोई चिंता नहीं है। अपराध हो रहा है, अपराधी घूम रहे हैं, और भगवान भरोसे बिहार की जनता बैठी है। इस खबर में इतना ही।